बहुत ही मेहनत नाल इस प्रोजेक्ट विच काम कीता है। मौजूद हैं राइटर्स, राइटर डायरेक्टर सर साडे नाल मौजूद थे। प्लीज जोरदार तालियां एक बार जिवें जिवें उन्हां दे नाम दे नाम दे दिए। वी हैव निकीत विद अस, सावन, तानिया, आंचल, अरविंदर, राइटर राजू वर्मा जी, डायरेक्टर प्रेम सिंह सिद्धू जी। जोरदार तालियां इन्हां लई। मैनू बहुत खुशी हो रही है, दस रही है कि शाही माजरा 12 अगस्त नूं चौपाल से रिलीज़ की जाएगी। तो यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सोशल रियालिटी को दर्शाता है, जिस नाल असी सारे जागरूक हैं बट असी इस दे बारे ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदे। सो शाही माजरा लई जोरदार तालियां। ते गल क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करन तो पहला असी इस दा ट्रेलर ते प्रोमोस वेखदे हैं। सवाल साढ़े चौपाल ते पिटारा हेड अजयवीर सिंह जी नूं कर सकते हो, तो असली दसंगे कि इसके पिछे की मुसीबत आई हैं या की उन्होंने स्ट्रगल्स सीखिया इस बनाने पिछे। चलिए शैल वी स्टार्ट सर, अगर आपको लेना है तो। थैंक यू सर। माय क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम, एंड दिस इज गौरव फ्रॉम हरियाणा बीच, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू मिस्टर प्रेम सर। एंड सर, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, हजे होने ही हुई है, गुड लक जैरी। उनके बारे पंजाब के बहुत बड़े सिंगर ने, मीनस एक्टर एंड सिंगर, ही सेड कि पंजाब में एक बार फिर उदा का रीप्रजेंट किया जा रहा भी नशे वाल, है ना। तो वह कह रहे हैं कि इमेज खराब की जा रही है। ही सैड दिस फॉर अ बॉलीवुड मूवी, है ना, बट नाउ यू केम विद द सेम कंसैप्ट, है ना, थोड़ी मूवी से भी इदा का कुछ लग रहा वा, एज वी हैव सीन द ट्रेलर, है ना। तो तुम हम फिर कि बारे की कहना चाहोगे, वट यू थिंक कि सच्ची पंजाब से इदा का हो रहा वा या इट दिस एग्जैजीरेशन ने लोगों के, एंड वट्स यूर ओपीनियन अबाउट दिस। हाँ जी, पहला तो सारे सत श्री अकाल। देखो जी, जिहड़ियां फिल्मां हुंदियां ने जां कोई भी असीं आर्ट का कोई पीस बनाउंदे आ, है ना, जिहड़ा असीं बहुत पहलां तो सुनदे आए हां जदों असीं इस इंडस्ट्री दे विच एंटर करदे हां, कि फिल्मां ने जिहड़ियां उह वाकई साडे समाज का एक आईना हुंदियां ने, है ना। पहली गल इह है। एक दूसरी गल जिहड़ी हैगी है कि तुहानूं ट्रेलर दे विच काफ़ी इदां दीआं चीज़ां दिस रहियां ने, है ना, नशे वगैरह यह सारा कुछ। साडी जिहड़ी वैब सीरीज है, पहली गल इह नशियां दे उपर नहीं हैगी, बट सम वे इट लुक्स लाइक, पहली गल साडी वैब सीरीज है जिहड़ी, उह इह नशियां दे उपर नहीं हैगी, है ना। दूसरे नंबर ते जिहड़े दो तरीकों नाल तुसीं किसी चीज़ नूं प्रजेंट कर सकते हो, एक तां तुसीं उस सोसाइटी नूं पूरी नूं रीप्रजेंट करते हो, उस सोसायटी नूं तुसीं कहिंदे हो कि इस सोसायटी दे विच आही चीज़ां चल रही ने, है ना। असीं उह कितें नहीं कह रहे कि जिहड़ा पूरा पंजाब है वह नशेड़ी होया होया है। नशा जिहड़ा उहनूं तुसीं चाहे किसी जगह दे नशे नूं उभार लो, जदों तुसीं इक पर्टिकुलर चीज़ ते फोकस करते हो, है ना, तो उदो इदां दीआं चीज़ां लगदियां ने। नशा अदरवाइज तो पूरे इंडिया दे विच शुरू तो लैके ही हैगा, नशे दे रूप बदलते रहते हैं, है ना। सो इस गल तो असीं टोटली डिनाई नहीं कर सकते कि साडे पंजाब दे विच नशा नहीं हैगा, और असीं इह गल भी नहीं कह सकते कि पंजाब दे विच सिर्फ ते सिर्फ नशा ही है, होर कुछ नहीं हैगा। सारिया चीज़ा ने समाज के सारिया चीज़ा शुरू तो लैके हुण तक सारिया चीज़ें रही ने, वो साढ़े से डिपेंड करता सी कि चीज़ की कॉन्ट्रोवर्सी बनाउणी है, कि नहीं बनाउणी। हर एक समाज के रेप भी होंदे ने, हर एक समाज के नशा भी होंदा है, हर एक समाज के संत फकीर भी होंदे ने, सारा कुछ ही होंदा है, एक सोसाइटी के सारिया चीज़ा होंदिया, है ना। सो गल यह है कि जदों तुसीं एक किसी करैक्टर की कहानी कहने हो, जिहड़े करैक्टर की कहानी कहने हो, तुसीं उह तुहाडा करैक्टर किहड़े किहड़े फेजस दे विचों दी निकल रहा है, वह सोसाइटी दीआं किहड़ियां चीज़ां नूं फेस कर रहा है, वह चीज़ां तुसीं दिखाउंदे। ओके, बट फिर तुसीं की सोच रहे हो, दैट कमेंट वाज गुड और नॉट, इट्स एक्सेप्टेबल और नॉट? सर वो उन्हां दा पर्सनल मैटर है ना, वो उन्हां नूं लगदा है गुड लक जैरी बनाउण वालिआं नूं कुछ होर लगदा होगा, उन्हां ने वह दिखाया जो उन्हां नूं लग्गिया, उन्हां ने वह कमेंट किया, ठीक है। सो उन्हां दे कमेंट दा मैं आंसर नहीं दे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच सर, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन। आई लव यू टू निकीत मैम। हाय मैम, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, आई होप यू ऑल
doing well. Yeah, going with great guns, ma'am. Ma'am, I just want to ask ki, you just did a movie abhi recently, abhi Jatt Brothers and all movie recently. So, you played a quite, wo kehte na ki, eddan da role play kita, tusi means cute ji girl da hai na. But on, agar aapa duji cheez dekhiye, jadon tusi aa series ch aa rahe ho hai na, then you started with a cute girl and then you become a bad type. ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਟਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਟ ਗਰਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਅਗਮ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਵਾਟ ਆਈਵ ਡਨ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਅਗਮ ਕਿਊਟ ਅਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਟ ਅਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਗਮ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਅਗਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਮ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੋਕ 'ਤੇ ਆਈ ਵਰਕਡ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਅਗਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਅਗਮ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੂ ਸਰ ਨੇ ਅਗਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਅਗਮ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ Hello guys, it's Poonam Chaudhary and congratulations for the subject. Thank you so much. Chopal di team, congratulations because it's really amazing. It's very good to see a women-centric subject. It's necessary that every time girls are showing a good direction, sometimes they are wrong in the wrong way. So my question is to Raju Verma ji. Always, in your script, we have a little comedy flavor. In this script, which you wrote in the trailer, there was a comedy scene that was cut. There was a high comedy scene. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਨਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਚਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਐਂਡ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲਸੋ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਮਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੈਮਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਹਿਡਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਬੇਸਡ ਹੈ Someone just asked me 10 days before, मतलब ऐसे ही कोई गल चल रही थी चंडीगढ़ बारे and they know कि मतलब ऐसे ही कि मुंडे कुड़ियां बारे they know कि तुसी कभी शाही माजरा गए हो I'm like कि नहीं एक ही है and now I know what is शाही माजरा so there is a place जिन्हों लेके already minds which perception है कि what is शाही माजरा तो एक ज़्यादा नहीं हो जाएगी subject तो बाद मतलब एक title तो बाद what is शाही माजरा ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 7-8 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ 21-22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੈਚੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪੀਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 2009 ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ
चलो अजी कामयाब हो गए जी तबे ओके आई हैव वन क्वेश्चन फॉर सावन आल्सो सावन सच्ची दसना तसल्ली बख्श गाड़ा काट के कितना मजा आया ऑन स्क्रीन क्योंकि कुड़ियां नु पता मान जाती बहुत करदे हैं चाहिदा कभी मौका मिले असि तसल्ली बख्श ऑन स्क्रीन करिए सो पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह दा रिया पहला ते सत श्री अकाल सारे नु ते मेरा जेड़ा करैक्टर है एसएच गुरनाज भुल्लर ते वो बड़ा ही पावरफुल करैक्टर है और रिस्पोंसिबल करैक्टर है सो सीन की डिमांड सी करैक्टर की डिमांड सी सिचुएशन की डिमांड सी कि उत्थे गाना कढ़निया पैनिया सी सो मैं अपनी रियल लाइफ दे विच कदे भी ये चीज़ मेरे नाल नहीं हुई तो मैं कदे भी मैनू मौका नहीं मिलिया कि मैनू एदा गाना कढ़निया पैन बट सीन की डिमांड सी सो सानू उहदे लई इस चीज़ नू लैके प्रिपेयर होना ही पैना सी ते मज़ा मजे की गल करिए जो मैं अपने आप की चीज़ लैके देखी एज एन एस एच ओ उ सावन ही सी ए सच्ची गल है कोई वो नहीं है कि मैं मैं मज़ा नहीं आया मैं एक्चुअली ये फील होया कि उत्थे उस सामने वाला जो करैक्टर आ वो डिजर्व करता है सो मैं उन्होंने पूरे अपने पावर के नाल और रियलिटी एक एस एच ओ के करैक्टर के उस चीज़ में किया सो मैनू बहुत ही वधिया लग्या कि यस मैनू इदां लग्या कि एक आवाज़ है मतलब एक लेडी की आवाज़ है या एक ह्यूमन की आवाज़ है कि जो गलत हो रहा उस चीज़ में आप गलत बोलना है सो उत्थे मतलब आप गाला वर्ड में तो मतलब मैं नहीं लगता कि आप गलत आओ किसी मतलब इट्स नॉट रॉन्ग इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ या सो इट्स गुड मैनू वधिया लग्या दैट्स ग्रेट एनीबडी एल्स मेरा सवाल आपसे है कि आपके शाही माजरा जो वेब सीरीज आने वाली है इसका आप क्या चाहते हैं कि क्या असर होना चाहिए समाज पे क्योंकि कोई भी वेब सीरीज बनाते टाइम डायरेक्टर राइटर सोचते हैं एंड मेरे समाज में ये मैसेज जाना चाहिए इसका क्या मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से एक्चुअली ये बारे मैं बहुत डिटेल से दसूँगा तो ओबियसली स्टोरी बहुत ज़्यादा रिवील हो जाती है वैसे तो जो तुम वैब सीरीज देखोगे एक मैसेज भी काफ़ी सारिया चीज़ा मिलनगियाँ ये बिकॉज यह इन असी जिदा ट्रेलर क्योंकि साढ़े बेसिकली 8 एपीसोड ने है ना ट्रेलर असी सिर्फ तो सिर्फ 3 मिनट का ही बना पाए क्योंकि इस तो ज़्यादा फिर बहुत लंबा लगन लग जाता है ना 3 मिनट के इन्ना कुछ नहीं सी दिखा सकते है ना मे भी थोड़ा ट्रेलर देख के ये लगता हो एक मर्डर मिस्टरी है मे भी थोड़ा ट्रेलर देख के यह लगता हो एक ऐसा कुड़िया की कहानी है जिड़िया सिर्फ चंडीगढ़ आके बिगड़ जाती है नहीं ये सिर्फ इन्नी की चीज़ नहीं है हाँ जिदा तुम ट्रेलर दे विच देखिया कि साढ़े एक वैब सीरीज दे विच एक मर्डर होंदा है उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है जिदे तो चीज़ा अनफोल्ड होनिया शुरू होंदिया ने है ना बट इहदियां बहुत सारिया लेयर्स ने ईवन के एंड तक जाते जाते तो यह भी एक मैसेज मिलेगा कि साडा जिहड़ा जिहनूं असीं कहिंदे आ ना कि एक जनरेशन गैप हालांकि तुहानूं ट्रेलर दे विचों किते भी नहीं लग रहा होना कि जनरेशन गैप की भी कोई इहदे च गल हो सकती है ना बेसिकली एक एक मोटी जी चीज़ मैं तुहानूं दस दिंदा वो मोटी जी चीज़ असीं यह कहने की कोशिश की है कि असीं हर एक समाज दे विच पुराने समय तो कुछ धारनावां बनदियां रहिंदियां ने है ना असी साडी सोसाइटी नूं चलाउण वास्ते असी कुछ रूल बनाए हुंदे ने ओह रूल दे अकॉर्डिंग असी कुछ चीज़ां तय कीतियां हुंदियां ने कि आह साडी अंक है ना आह साडी इज्जत है वह असी उहदी इक डेफिनेशन क्रिएट कीती हुंदी है असी हुंदा की है कि साडा जिहड़ा रहन सहन का ढंग है उहनूं असी चेंज करदे रहिंदे आ बट कई वारी असी जिहड़ियां ओह डेफिनेशनज ने उहनां नूं चेंज करन दे विच किते ना किते असी गलती कर जांदे आ जो वो डेफिनेशन चेंज करन दे विच असी गलती करते हैं तो उत्थे हुंदा की है जे स्पैशली आपां कुड़ियां दी गल करिए तां कुड़ियां भी उस तरीके नाल अगे वधना चाहुंदियां ने जदों वो उत्थे अगे वधना चाहुंदियां ने तां साडियां जिहड़ियां पुरानियां डेफिनेशन क्रिएट कीतियां होईयां ने वो उहनां दे सामने आके खड़ियां हो जांदियां ने सो असी इह इक जिहड़ा कि मैनूं परसनली बहुत ज़्यादा फील हुंदी सी इह गल मैं परसनली वो गल उहदे विच कहण दी इक कोशिश कीती है कि अगर असी साडे अज के जीन के ढंग के अकॉर्डिंग साड़िया डेफिनेशन नहीं ढालेंगे तो मे बी आने वाले समय से साड़ी सोसाइटी एक बहुत बड़े क्राइसिस के गुजरेगी सो ये कहन की असी कोशिश की बाकी होर काफ़ी चीज़ा ने जिड़िया मैं सारिया एक्सप्लेन नहीं कर सकता
चलिए थैंक यू सर. माय क्वेश्चन टू अरविंद, वो आई कुडंट गेट योर नेम दैट टाइम, एक्सट्रीमली सॉरी, बट यू आर लुकिंग वेरी फैंटास्टिक ओवर हियर एंड इन द मूवी ऑल्सो. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि यू प्लेड अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ द निकित, है ना? हाँ जी. वैसे कहते हैं कि कुड़ियाँ बहुत ज़्यादा वधिया बेस्ट फ्रेंड होंगे नहीं, जे फैक्टर बहुत होंदा वा कुड़ियाँ से, है ना? बट हाउ डू यू फील कि जो तुम आ रोल प्ले कर रहे थे उसे थोड़ा कदम लग्या नहीं कि यार मैं थोड़ा जिमें तो वधिया कर सकती सी आला सीन? ये हैपन होया या नहीं होया? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर. पहली गल तो सत श्री अकाल सारे, तुम बहुत सोहना क्वेश्चन पूछा. एद आंसर मैं प्रिंसली ड्यूरिंग शूटिंग असी लास्ट के एक दो दिन के शेड्यूल के साडा सीन चल रहा है पी जी के अंदर का कुछ, तो सर ने ना बहुत सोहनी गल की कही, कहते भी मैं बहुत टेंशन चाहगा भी थोड़ी कमिस्ट्री मेरे वास्ते बहुत जरूरी सी. कहते मैं बहुत खुश हाँ कि थोड़ी कमिस्ट्री इन्नी सोहनी खुल के आई है ना, कि इन्नी सोहनी खिड़ के आई आ कि ये बहुत सोहनी गल आ. तो मैं वो पिछे यदि गल भी दस दी भी सर ने की किया से सारी वर्कशॉप्स लाइया थी. पहला दो दिन शूटिंग शुरू होने तो पहला सानू बुलाया, सानू किट्ठिया किया. तो ट्रस्ट मी मेरी जकीर के नाल असी मोस्ट ऑफ द टाइम 24 घंटे होंगे ने दिन से, तो आप 26 घंटे शूट करती है. तो असं 26 घंटे दोहे जनिया ने नाल रहना, नाल खाना, नाल पीना. तो इट वॉज लाइक अ सिस्टर्स. सो मैं बहुत ज्यादा मजा. एंड कदे जे फैक्टर नहीं आया? हां नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साडे दोहां दे कैरेक्टर ही बहुत डिफरेंट सीगे. और सब तो ज्यादा खूबसूरत गल ये है कि प्रेम सर ने हर एक कुड़ी दे कैरेक्टर दे विच एक नवा फ्लेवर दिता. और शायद ये फ्लेवर नु देख के कुड़ियां इन्ना क रिलेट करनगियां कि हां ये भी थोड़ा जा हैगा, ये भी थोड़ा जा हैगा, ये भी थोड़ा जा हैगा. तो सर बहुत मजा आउगा. थैंक यू एंड माय क्वेश्चन टू यू मैम. Next one. Yeah, sorry. Anshal. How's you, ma'am? I'm coming to you also. Don't take it personal, huh? Sorry. And I just want to ask ki aap aapne bada funny role kiya isme, hai na? Te jadon funny role apa karde hai na ki we seems ki apa hai show karde hai bhi apa kare bhi mahol udaan da rakhna hunda hai na, but kade kade hunda mood swings bahut hunde ne insaan de, hai na? Apa din de vich we are apne aadi ho jande ne. उदो सैट पर रह के वो फनी कंटेंट आपके माइंड से रखना किन्ना को डिफिकल्ट भी हर वेले फनी करैक्टर जीना, इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक. तो वो कि निभाया? फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्रीकाल सारू सर. एक्चुअली मैं लगता नहीं मेरे लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट आगा, बिकॉज मैं एक्चुअल रियल लाइफ से इदा भी ही है. मैंने लगता था ही प्रेम सर ने मैं डिग पे घरे फिर एकदम खड़े हो जाते हो, ऐदा ही डिग पे घरे भी डराता क्योंकि मैं उस टाइम सोच रहा था कि नशेड़ी लड़की से नशे वाले सवाल पूछूंगा. आपने नशेड़ी वाला सॉरी रोल प्ले किया, किदा का लगता? मीनस एवं होंगे ना जो आप करते नहीं गए, बट आप किसी ना किसी तो ना वो एक माइंड च ले लें यार कि मेरा एक दोस्त से या मेरी एक फ्रेंड से, है ना, भी वो इदा का करता सी तो एक्ट एवें करता सीगा. ये थोड़े ना रियल जिंदगी एवं होया सी उतो कोई प्रेरणा ली थी या नहीं? सब तो पहले तो सत श्री अकाल एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. हाँ कई बार इदा होंगे जो आप कभी पार्टी से जाने कई साढ़े फ्रेंड्स इदा मतलब है ना ड्रिंक वगैरह करते हैं कुछ करते हैं, मैं उन्होंने ऑब्जर्व करती हाँ. तो जो मैंने प्रेम सर ने इदा का करैक्टर दिता ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਬਸ ਸਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਮ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਅਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ. ਵਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਸੀਮ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਮੀਨਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਹਾਊ ਡਿਫੀਕਲਟ ਇਟ ਵਾਜ਼?
हाँ जी हाँ जी, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ कि कुड़िया के होंगे थोड़ा मेरा घट ना रह जाए काम मेरा घट ना रह जाए। वो खूबसूरती की गल यह प्रेम भाई बड़े सीनियर ने, बड़े सुलझे हुए ने, तो असं जो बैठते होंगे सी यही गल चलती रही थी भी आप हर चाहे करैक्टर छोटा हो चाहे वड्डा हो पर जो वो करैक्टर करे उन्होंने स्वाद आना चाहिए। तो कहे यार भी मेरा चाहे काम थोड़ा सी पर बहुत वधिया, इस गल करके ज़्यादा फसे नहीं। बाकी एक अज सारू यह गल भी अं कहना चाहवागे कि चौपाल का बड़ा वड्डा थैक्स है क्योंकि जो नवे कलाकार उठ रहे हैं या राइटर या डायरैक्टर उन्होंने बहुत वड्डा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो चौपाल ऐप का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी, तो साढ़े अजय वीर वीर का, बाकी सारी टीम बहुत वधिया सी, काम करके बहुत मज़ा आया क्योंकि जो तो चंगे हत्थों के कोई भी फिल्म या सीरीज जाती है तो राइटर थोड़ा सेव हो जाता है इतने आगे, सारी टीम ने बहुत सोना। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, अजय वीर सर से पूछ लेता हूँ सर जी। सर सब तो पहला तो ना यह होंगे जो भी कंसैप्ट आता है तो जो प्रोड्यूसर का ही सोचता भी पैसे पूरे होने या नहीं होने, थोड़े माइंड आई सी गल या नहीं? देखो ये मैं एड ऑन कर देना, सब तो पहला चौपाल जो है एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, सो इट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये जो थिएटर वाला सिनेरियो लागू नहीं होता, जिवें तुसीं कहा ना ये तुहाडा क्वेश्चन इत्थे लागू नहीं होता, बट चौपाल दे उपर जिहड़ी शाही माजरा तुसीं सीरीज देखोगे ये पंजाबी इंडस्ट्री की पहली डार्क वैब सीरीज है और विमेन सेंट्रिक वैब सीरीज है और ये ड्यूरेशन वाइज भी तुसीं देखोगे 8 एपीसोड ने और ईच एपीसोड तुम 30+। सो मैं कंपेरिजन कर सकता कि तुम इन देख के कह सकते हो कि नैटफ्लिक्स एमेजॉन किस न भी कंपेरिजन कर लियो, ये इस इंडस्ट्री का दी बेस्ट स्टार्टअप प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन और पूछ कराना सर कि बहुत डिफिकल्ट होता वा मीनस सीरीज ना कैप्चर करना भी इन्हें तेरे को इन्ने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, है ना, मीनस इन सारिया मूवीज आ रही हैं, कोई वैब सीरीज आ रही है, तो हाउ हाउ यू पिक द थिंग्स, है ना, भी कि जो प्रोजेक्ट है इन्ना इंटरस्टिंगली क्यों लगा? देखो ये प्रोडक्ट भी सू बना पूरा एक साल लगे, सीरीज बनाना एक बहुत टफ प्रोजेक्ट है, सारे करैक्टर को जोड़ना सारी चीज़ा, देखो एक लेयर है बहुत थिन लेयर है, जो असं इस प्रोडक्ट को तुम्हें जिम्मे नशे की गल की या होर चीज़ों की गल की, ईवन मैं इस चीज़ होर चीज़ एड ऑन करता कि कला एक नशा एक सोसाइटी का फेज लड़कियों की जर्नी ये तीन एंगल तो है ही है जो ट्रेलर तुम दिख रहे हो, इस तो अलावा असं इन्ना कुछ पाया सीरीज के जो तुम सीरीज देख के ही पता लगेगा, सो इन बनाने लिए इस साल लगे। और प्लस मैं मोर ओवर एक होर चीज़ एड ऑन करता कि चौपाल के उपर यह साडा टिल डेट का पर्सनली फीलिंग एंड आई थिंक टीम भी शायद एग्री करेगी, इन्हों का चलो है ही प्रोडक्ट ये तो कह, बट पर्सनली फीलिंग ये प्रोडक्ट साडा दी बेस्ट प्रोडक्ट है टिल डेट। चीज ऐड करनी चाहना जिदा अजय भाई जी ने गल की इनू कंपेयर कर सकते हो एमेजॉन नाल जां नेटफ्लिक्स नाल, सो इदां दा प्रोजेक्ट जो भी बनता है तो पूरी टीम की मेहनत नाल ही बनता है, सारे जणियां दे एफर्ट लगे होंगे ने, जिन्हां दे विचों बहुत सारे बंदे इदां दे होंगे ने जिहड़े फ्रंट ते कदे नहीं आउंदे, है ना, जिन्हां दे विचों इक तां अजय भाई जी है ना, इन्हां दी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट के उपर। और दूसरा मैं इन्हां दी ये कमाल मानता हुंदा कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहिंदे ने पिटारा दे विच भी चौपाल दे विच भी, फिर भी जिदा तुहाडा क्वेश्चन सीगा कि इन्नियां स्क्रिप्ट सुनने तो बाद वो बेस्ट चीज़ यह चूज कर लेंगे ने, है ना, सो ये प्रोजेक्ट जोड़ा ये परसनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जे अच्छ सू दिस रहा जिदा का बन के प्रोजेक्ट वो पिछे इन्हों की बहुत वीड्डी मेहनत है। और दो बंद का मैं नाम होर लैना चाहूँगा, एक साढ़े DOP जे सा इस वे नहीं है बॉम्बे ने ईशान शर्मा, उन्हों की बहुत वीड्डी मेहनत है, जो थोड़ू तो स्क्रीन पर जो लुक दिखाई दे रही है ये पिछे सब उन्हों का हथ है। अगले साढ़े जोड़े एडिटर ने हार्दिक सिंह रीम, है ना, वो बॉम्बे बेस्ड ने, बहुत ही कमाल का क्रिएटिव बंदा वो, सो ये साड़ी सारिया की मेहनत के नाल असी अज कह जोगरे ता हो कि कंपेयर कर सकते हो तुसी नेटफ्लिक्स ते अमेज़न नाल। थैंक यू।
थैंक यू जपाल थोड़ी हाथ करूं कोई भी यार 2-5 का लेवल टेलीग्राम का सर देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ 90% ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 10% ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੋਪਾਲ ਐਪ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਮਿਲੇਗਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲੇਟਰ ਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਪਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਜੀ ਸਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IPs ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਚੋਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ IPTV ਦੇ IP ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟੀਮਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਬਜਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੋਪਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜੀ 99 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਮੰਥ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਈਅਰਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 799 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੈਨ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਮੰਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 799 ਹੈਲੋ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇਖੋ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਔਰ ਦਿਵਜੋਤ ਜੀ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਕਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ तो काफी हैवी है काफी बड़ा है तो आपको उस करेक्टर में डालने में किस प्रकार की परेशानी या फिर आपने बहुत इजीली उसको कैच कर लिया परेशानी मैं बठिंडे से भी शूट पे मूवी चली जाती थी उसमें तो परेशानी तो नहीं आई बट हाँ मेरे लिए थोड़ा जिना चैलेंजिंग जरूर सीगा बिकॉज इस सीरीज के विच मैं स्मोक कर रही हूँ अल्कोहल कंज्यूम कर रही हूँ ड्रग्स ले रही हूँ रियल लाइफ मैं कभी स्मोक की थी नहीं बट थैंक्स टू सर डायरेक्टर सर के इन्होंने करवा दिया अरे गल तो पूरी सुन लो थैंक्स टू सर के इन्होंने मैंने ऐसा का रोल ऑफर किया कि डू यू वांट टू डू दिस थिंग इन्होंने सिखा दिया सर ने नहीं 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 मैंने ऐसा का रोल ऑफर किया कि तुसी ऐसा का रोल करना चाहते हो एंड आई जस्ट सेड के ऑफ कोर्स क्योंकि अलग चीज थी चैलेंजिंग सी औखी नहीं सी हाँ एक चीज़ जरूर सी जी मतलब सू गई थी कि रियल वाली ना लैके आयो नकली जरूर ले आयो सो वो चीज़ सीखनी पी कि स्मोक किदा की जाती है एंड मज़ा आया सीख के भी उस तो बाद नहीं कभी की बट हाँ अच्छा सीगा रोल सीखने बड़ा कुछ मिले ओके एक सवाल राजू जी से पूछना चाहेंगे सर सर आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है आपने कॉन्सेप्ट कहीं से आपने देखा या कि आपके आसपास कोई इस प्रकार की कोई घटना घटी और उस पर आपने पूरी वेब सीरीज बना दी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके जहन में आया कि हाँ इस पर बननी चाहिए एक वेब सीरीज हाँ जी ये आइडिया एक टाइम मैं एक यूट्यूब पर देख रहा थी एक कुड़ी तुम सारे नहीं देखनी एक्टिव के उपर डिग जाती बेरएक्टिव पै जाती बाकी असं सोनू भाजी तो मैं अभी बैठे गल कर रहे
अजय भी बैठ के कहते भी इदा की कुड़ी के उपर आनी चाहिए है तो फिर उतो एक आइडिया तो उस तो बाद असं अगले शाही माजरा के गुजर रहे थे तो उत्तर होर रंगत चढ़ी गई तो गल्ला दिमाग के जुड़दी गई तो उतो एक आइडिया मिले तो हौली 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 उन्होंने डिवेलपर करना शुरू करता तो फिर आ सामने आया कुछ बने के। माई क्वेश्चन टू निकित मैम आपके लिए है एंड मैम आपने इससे पहले जो भी तुम काम किया वा मीनस मूवीज से किया वा वैब सीरीज आई थिंक इट्स योर फर्स्ट वैब सीरीज हर कोई ये चाहता मीनस कि मेन स्ट्रीम च आइए भी मेन मूवी से काम करिए है ना तो जो मेन मूवी से काम कर रहे होंने आप इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कहने यार वैब सीरीज शायद मैं ना करा है ना एवं कई जहन च आ जाता है तो ये दिमाग च नहीं आया कि वैब सीरीज करा या ना करा क्योंकि इन्ने सारे करैक्टर्स भी होर हो गए क्योंकि उन्हें तो लीड होंगे हो ना मूवी से तो ये कितने ना कितने अनकॉन्शियस माइंड से इदा नहीं भी यार मेरे न थोड़ा जहा एवं ना हो जाए कि मैं फॉल डाउन कर जा इदा का कुछ नहीं आया या ये जो मूवी साइन की ना सीरीज उदो की जहन से चल रहा है। आई परसनली फील अज की डेट च पीपल प्रैफर मोर ऑफ ओ टी टी दैन सिनेमा पेंडेमिक तो बाद सिनेमा घर बहुत घट लोग जा रहे हैं तो मैं चाहनी हाँ लोग जान फिल्मा वेखन बट एट द सेम टाइम ओ टी टी बहुत ग्रो कर चुके हैं ऑडियंस न ओ टी टी पसंद आ ए लिस्टर्स वे तो व्डा हीरो हीरोइन ओ टी टी करना चाहते हैं तो मैं आह मौका मिलया सब तो वड्डी चीज़ मेरे लिए आह मैटर नहीं सी कर रही कि प्लेटफॉर्म किया मेरे लिए मैटर जो कर रहा थी वो सी स्क्रिप्ट इनिशियली मैं थोड़ी एप्रीहेंसिव थी मैं आ रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं नहीं पता सी कि मैं बैकफायर करूँगा नहीं करूँगा बट मैं अपने मॉम नाल जाके गल की ममा कहते इस चीज़ की तो तू वेट कर रही थी लाइक दिस इज़ योर चांस हूँ तक तू उ जो सारे कर सकते हैं सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू एंड यू कैन शो द वर्ल्ड वट यू आर अगेन थैंक यू सो मच तुम सारे ने मेरे बिलीव यू बिलीव इन मी तुम मैं वह कैरेक्टर दिता मैं उस कैरेक्टर ग्रो कर बहुत हेल्प की जब मैं आह उ चीज़ जब पहली बार मैं स्क्रिप्ट सुनी आई वॉज कन्फ्यूज बहुत सारी चीज़ा चल रही थी मेरा एजेंट रजत मेरे को लेके आया थी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सुन के एक्साइट बहुत हुई काफ़ी चीज़ों को लेके कुछ चीज़ा मैं इनिशियली अनईजी भी लगियां बट थैंकफुली टीम ने यहोजा माहौल बनाया होया सी ऑन सैट कि मैं जो भी किया अपने कंफर्ट लेवल च किया मैं आई फील नहीं होया कि आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू हार्ड। एक चीज़ ऐड कर रहे हैं जो तुम ट्रेलर एक बार ध्यान देखोगे तो एक चीज़ पता लगेगी ट्रेलर के एक तो बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट है देखो ये थोड़े सवाल का जवाब यह भी है कि आने वाले टाइम सिर्फ ए सीरीज़ को हट के भी जो मैं गल करा साढ़े को चौपाल के उपर तुम बहुत व्डे चेहरे दिखाएंगे ठीक है और ओ टी टी जो होंगे हमेशा कॉन्टेंट ही सुप्रीम मनिया जाता है ओ टी टी के चेहरा मैटर करता है बट एक लैवल से मैटर करता है अदरवाइज जो 90% पार्ट है वो कॉन्टेंट ही है सो तुम इस ट्रेलर से भी देखोगे सानू बब्बल राय निंजा निकीत तो सावन तो है ही ने साडे नाल सारे लड़कियां है तो इस तों अलावा बहुत साढ़े हनी मट्टू है अनीता शबदीश ने संजू सोलंकी जी ने सो सागर शर्मा जी ने ऐसे बहुत करैक्टर्स ने जिहड़े इहनूं पूरा कंप्लीट करते हैं पिक्चर में और आने वाले टाइम चौपाल से तुसीं देखोगे निंजा कुलविंदर बिल्ला जी ईवन के असी फ्यूचर सेंटिंग से गल करिए तो एमी विर्क भी दिखा सो चौपाल इज लाइक ये नहीं है कि तुसीं जदों असीं कह असीं मत्था ला लिया तो फिर ला लिया तो हुण तुहानूं साल दे विच तुसीं वैसे भी देखोगे तो असीं चौपाल इकलौता एक ब्रांड है जिहड़ा साल दे विच 35 प्रोडक्ट्स तुहानूं दे रहा है ये बहुत मुश्किल होंगे बहुत देखो बैकएंड पे असीं बैठे सानू पता है कि किवें तुसीं चीज़ां पुल करते हो पुश करते हो एक प्रोजेक्ट नूं सिरे छड्डदे हो ते बट तुहानूं हौली हौली जिहड़ी है सारे सिनेरियोज़ तुहाडे सामने आते रहे। थैंक यू। अच्छा जी एक गल मैं होर ऐड करदा जदों असीं इहदा प्लान कीता करन दा जदों असीं शुरू कर रहे थे ना दो तीन महीने असी इस चीज़ के उपर लाए मे बी आप फरवरी तो सर्च शुरू करती सी कि कौन कुड़ी है जिहड़ी ये करैक्टर प्ले करूगी थैंक्स टू रजत जी निरा टैलेंट वो निकीत नू लेके आए तो उन्होंने सानू निकीत दिती साड़ी अगम दिती तो यह इन्नी सोहनी वैब सीरीज बनी है और मैं सीरीयसली कह रहा मैं जदों निकीत का ऑडिशन लिया है ना सो जिहड़ा तुसीं आ पिछे सीन देखिया कि कोई राज भैन दा यार वो नहीं करता है ना वो सीन मैं बेसिकली इहदे ऑडिशन वास्ते लिखिया सी इहने परफॉर्म इन्ना चंगा कीता मैं सोचा यार इहनूं वैब सीरीज़ च भी पाउने आ ना सो वो इहदा ऑडिशन सी इन्ना अच्छा इहने ऑडिशन दिता सो
सो जिवें जिवें असी इहदे नाल काम करदे गए तां मैनूं इह लग्गिया कि इह बहुत डिजर्व करदी है कुड़ी। थैंक यू रजत जी।